पता नहीं पागल है ये अभी पहले ये लगाते हैं। हाँ हम पहुंच गए। इतने सामान के साथ जाना, मम्मी ने पूरे घर का सामान एक साथ उठा लिया है और मैं अपना सामान समेट रही हूँ। एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं ये हमारे मुच्छड़ भाई, मंजूर भाई और अम्मी ये खड़ी, और ये इतना सामान जो हम लोगों को जाना है। और फाइनली कराची का सफ़र अब शुरू हो चुका है। यहाँ से हम लोग अंदर जाके करेंगे क्योंकि सामान बहुत है, उसको कैरी करना है। फ्लाइट आई थिंक लेट और इट्स यार हमें अस्सलाम वालेकुम मैसेज ही नहीं आया हमें लेट होने का। मैम ये मैं चेक करके बताता हूँ, देखें देखें करने से अभी मुझे नहीं मालूम ये कौन सा नंबर भाई ने दिया है, मुझे नहीं मालूम। चलो हम पता कर लेते हैं, हम चले हम कह सकते हैं बाकी सब खड़े हुए ना। मुझे भी नहीं, किसी को भी मैसेज तो आया यार। दे 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 शेर सियाल के ऑफिस के बाहर से आए और तमाशा हो रहा है, किसी को भी मैसेजेस मौसूल नहीं हुए। इंडिका जी जो हमने नंबर दिया होता है उस पर मैसेज आते हैं, चलो हमें मैसेज हमारे भाई के पास आया होगा, अदरवाइज यहाँ किसी को भी मैसेज नहीं आए कि जी फ्लाइट 6 घंटे शाम 6 बजे मतलब 8 घंटे या 7 घंटे डिले, 7-8 घंटे डिले। हालांकि वेदर बिल्कुल क्लियर है और यहाँ से हम ख्वार होने के बाद दोबारा से अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। कह रहे हैं जितो दी खोती फिलहाल लाहौर ही खलोती, तो हम लाहौर में ही खलोते हैं और आने लगे क्योंकि अब शाम 6 बजे की फ़्लाइट और ये भी पता नहीं कन्फर्म है कि नहीं है, अभी तो कुछ नहीं पता। खैर यहाँ से निकल रहे क्योंकि बड़ी शदीद वाली आज भी आज गर्मी है ना, वेदर अच्छा था तो यहाँ से दोबारा से वो देखें सब लेके जा रहे हैं। जा रही है फ्लाइट डिले 8 से 8 पूरा दिन जाया। मैं कहूँ यहाँ क्यों खड़ी भी है, बेचारी मांग रही है चले जी दोबारा से घर की तरफ। कुछ लाएंगे तो देखेंगे जी। पहले भी घर आ गए और अम्मी बैठी हुई है और गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि फ्लाइट डिले हो गई। अम्मा लगी है अपनी टिकटॉक फिर चीज़ें देखने के लिए। सफाइयाँ हो रही हैं जी घर की, ये हमारा बैग और ये घर की सफाइयाँ हो रही हैं। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत घर है। अब हम जाएंगे शाम को कराची, अल्लाह ने चाहा तो। सुबह सुबह उठो मिलकर आप करो और फिर कल लाइट हल्के देखे कितने पड़े हुए टेंशन से। दोबारा से एयरपोर्ट आगे और मैं ये है और अब हमने दोबारा से देखना है जाके कि फ्लाइट डिले होती है कि नहीं होती, अल्लाह करे अभी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी 6 बजे आए थे ना फ्लाइट डिले हो गया और सुबह से शाम का मतलब अब हम रात को 8-8:30 बजे पहुँचेंगे, 9 बजे घर पहुँचेंगे तो पूरा दिन खलास। चलो जी आ गया समझ आती है ये चौक आई थी मम्मा यही तो दिया था हमने, यही से तो पर्ची ली थी और पर्ची दी थी।
आप पीछे बैठे हुए थे। हाँ पीछे बैठे हुए थे जी। सब वक्त यहाँ चेकिंग चल रही है, लाइन कैश दोबारा। ये ऐसे बंटन के बैठा हुआ है। ये करम जाना है। ये जो खड़े हुए घर को जाने वाले। हाँ जी, एक लिफ्ट लुफ्ट लबन ले ना करें हैं। आपको सच कह रहा हूँ। तो मुझे तो लग रहा है चेकिंग करते फिर रहे हैं। नहीं नहीं, ये अच्छा, ये रोड नहीं है। हाँ, इससे आगे है पुलिस लैंड। हाँ हाँ, ट्रेनिंग। अच्छा, ये देखिए ट्रेनिंग का लिया। मैंने समझा ली आपको मुखबरी हुई है। सानू लगा नाका गुरुद्वारा से चल पड़े और अब हम थोड़ी देर बाद ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे होंगे। चले वहाँ जाके फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है। बड़े मज़े का वेदर मिला लाहौर में, बहुत मज़े का। गुरुद्वारा से हम आ गए और सामान निकाला जा रहा है। अल्लाह करे अब फ्लाइट टाइम पर हो। ये हमारे मूत्र भाई, ये मामा। वोटर हमने ले लिया, सुबह भी आए थे और अब फिर आए हैं यहाँ पर। ये रही मामा। सामान तो हमारा है ही नहीं, हम सामान तो अपने साथ लाते ही नहीं हैं। सामान तो हमारा होता ही नहीं है, हमारे बैग तो बिल्कुल खाली होते हैं। बिल्कुल भी अम्मी को शौक नहीं, हाँ बिल्कुल भी शौक नहीं है अम्मी को सामान रखने का। कुछ नहीं, हाथ में भी कुछ नहीं होता, फारिग हाथ बस मोबाइल पकड़ के जाएंगी। कुछ भी सामान तो है नहीं। अम्मी आपका बैग है लाल। ना घबरा के मुल्क का हाल देखा है, क्या हो गया है। कह रहे घबराना नहीं, चले तो हम लोग आ गए एयरपोर्ट और अब यहाँ से जाएंगे अंदर। देखते अभी फ्लाइट टाइम पर है कि नहीं है। और सामान तो बकौल हमारे पास होता ही नहीं है, सामान तो अम्मी लाती ही नहीं है। सोच नहीं सकती थी कितना सामान अम्मी ने छोड़ा। कार्गो कोई 46 kg अम्मी ने कराया है सियालकोट से। खैर चले, यहाँ से मिलना मिलाना हो गया। मैं भी मिल लूँ उनसे, फिर आपको दिखाते हैं बाद में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची जाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो, और एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि अल्लाह ताला ही चीज़ें करता है, वही बेहतरी की तरफ ही लेके जाता है। भाई सगी एयरपोर्ट, और ये हमारे पास टिकट्स हैं। सुबह भी हम आए थे तो हमारी खारी हुई थी, अब दोबारा से हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। चेकिंग प्रोसेस आ गया, इसलिए यहाँ पे ज़रा फ़ोन बंद करूँगी क्योंकि यहाँ ज़रा टिकट दिखाएंगे और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं अंदर जाके। चलो टिकट चेक कराओ। यहाँ ज़रा रैप की तरफ, हम ज़रा बड़े वाले बैग को रैप कराएंगे क्योंकि सत्यानाश हो जाता है यहाँ बैगों का। ये नया बैग है और ये उठा उठा के जिस तरह बैठते हैं ना, तो ये एंड हो जाता है उनका। तो खैर यहाँ पे रैप हो जाए, अम्मी ये खड़ी हुई है तो हमारा ये बैग नहीं कराएंगे, लेकिन ये जो दो बैग हैं इसको हम लोग रैप करा लेंगे। और ये सामने हम पहुँच गए हैं काउंटर पे, और बाकी चलें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम अब इस पे कराएंगे। और हमारी निशानी नहीं थी तो हमने उसको बोला कि इस पे यूज़ दैट लिख दो ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि बैग सेफ हो जाता है, लेकिन निशानी ख़त्म हो गई थी। चले ये हमने करा लिए अपने बैग रैप और हम पोर्ट इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद यहाँ से हमारी फ़्लाइट है। ज़रूरी है, जिस तरह से आप बैगों को फेंकता हुआ देखते हो ना दिल दुखता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको तरह कवर कराएं। कर यहाँ तो सस्ते हैं, बाहर बहुत महंगे। एमिरेट्स की फ्लाइट में अगर आप बैग रैप कराते हो तो आपको पता चल जाता है, चार चार पाँच पाँच हज़ार लेते हैं हम लोग। खैर एयरपोर्ट लाहौर का हम पहुँच चुके हैं। दोनों पे यूज़ लिख दिया। हाँ बस ठीक है, यूज़ हो गया। चलिए जी, फाइनली बड़े अच्छी इन्होंने हमें फेवर दी और सारे बैग हमारे जमा करा दिए, तब दस गुड हो गया। फाइनली जी हम लोग एयरपोर्ट आ गए और हमारी हो गई है बोर्डिंग। और सामने बड़ा प्यारे से मुझे जहाज़ नज़र आ रहे हैं और इस वक्त लाइट इतने मज़े की हो रही है ना। तो बस इंशाल्लाह 6 बजे टेक ऑफ है और रब ने चाहा तो हम इंशाल्लाह 8 तक 8:30 तक कराची होंगे। और बस नया ज़िंदगी का नया सफ़र जाने के बाद नया एक दोबारा से काम शुरू करेंगे। काम पे नहीं गई, छुट्टियां लेकर आई थी थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा हो गई पीएसएल की वजह से,
तो उसको कंटिन्यू करेंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे, अपनी इज्जत नफ्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसको सबसे इम्पॉर्टेंट मानेंगे, क्योंकि आपके लिए अगर आपकी इज्जत कुछ इम्पॉर्टेंट होती है, अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता तो उसको पैर की जूती पे नोक पे रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि लड़की इज्जत के बगैर नहीं रह सकती, पैसे के बगैर रह सकती है, दौलत के बगैर, खाने पीना अच्छा ना हो उसके बगैर रह सकती है, लेकिन अगर लोगों को लगता है कि इज्जत नहीं देंगे और बहुत पैसे वाले होंगे और रख लेंगे औरत बीवी महबूबा, तो उनकी भूल होती है, क्योंकि औरत थूक के चली जाती है ऐसे मर्द के ऊपर जो उसको इज्जत नहीं दे सकता। और मुझे नहीं लगता कि आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो बड़ी समझदार हैं, वो पैसे के पीछे नहीं जाती, क्योंकि पैसा लड़कियाँ आजकल खुद बहुत सारा कमा लेती हैं, वो जाती हैं रिस्पेक्ट के ऊपर, आपके बड़े ख़ानदान, बंगले, कारियाँ, कोठियाँ सब पर वो लानते भेजती हैं 100 दफ़ा, क्योंकि उनको शरीक हयात बहुत खूबसूरत चाहिए होता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि हमने जिसको भी चाहा वो पकौल, मतलब बड़े सरदार हों या जो भी एक्साइजर्ड हों, लेकिन इंतहा घटिया इंसान थे, क्योंकि उनके पास अल्फाज, ज़बान कुछ अच्छी नहीं थी। और जिस शख्स मर्द की ज़बान अच्छी नहीं है, जो मर्द अपने वादे का पक्का नहीं है, वो मर्द ही नहीं है, समझते हैं ना, मर्द ना होना तो वही नहीं है। बाकी कोई आगे से बात नहीं कहूँगी, खाली मेरी दिल की आवाज़ थी, क्योंकि नई ज़िंदगी अब जाके शुरू करनी है, नया काम, नई चीज़ें। और डोंट ट्रस्ट, स्पेशली लड़कियों को कहूँगी, किसी भी चे पे कहीं से भी लोगों पर यकीन मत करें जब तक आप से रिलेशन बनाए नहीं, आपके साथ रहे नहीं, आपसे शादी ना करें, आपके साथ बॉन्डिंग ना करें, क्योंकि आपको तो सब लाइक करते हैं, क्योंकि हम स्टार हैं, हमारे स्टार के पीछे तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन निभाने वाले नहीं होते, सिर्फ तमाशबीन होते हैं। खैर, एक खूबसूरत से ज़िंदगी की तरफ जो अल्लाह ताला ने दी है, और अल्लाह ताला ने ही ये मुश्किलें डाली हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही मुश्किलें निकालेगा। खैर, यहाँ से अम्मी बैठी हैं, अम्मी बैठी हैं, काकू का भी फ़ोन आया, ज़रा अटेंड करें, काकू क्या कह रही है हमारी। हाँ काकू, बैठे ही देख रही हैं चीज़ें घर को सेट करने के लिए कि कैसे सेट किया जा सकता है। अल्लाह मुझे अपना घर दे, मैं हर साल सेटिंग चेंज किया करूँगी इंशाल्लाह, एक इतना बड़ा स्टोर बनाऊंगी हर साल इसको इंशाल्लाह। अरे ये नया कपल है, ये सामने बैठे एक दूसरे से सेल्फियाँ ले रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लगता है खुश देख कर लोगों को। और यहाँ पे अम्मी लगी पड़ी अपने टिक टिक स्क्रीन शॉट लेके जमा करने, ताकि वो अपने गार्डन को अच्छा कर सके, लेकिन इसके लिए कुछ चाहिए रोकड़ा। खैर, कराची चलते, बथेरी हो गई, बड़ी तफरी हो गई हमारी, बथेरी हो गई। ये आ गया जहाज़, और मैंने कहा चलो मेरे सामने तो थोड़ा इसको रिकॉर्ड कर लूँ। ये वो प्लेन है जो सुबह आना था पर नहीं आ पाया, तो अब वो आया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 6 बजे यहाँ से उड़ जाएंगे। अल्लाह की शान है ना, अल्लाह ताला ने देखे एक चीज़ पे कितनी पावर रखी है कि वो इतना सामान लोगों को लेके उड़ता है, तो बंदा कुछ भी कर ले, लेकिन जो रब की प्लानिंग है ना उसके आगे वो बेबस है, बिल्कुल बेबस है। बी लाइन और फाइनली गोइंग टू प्लेन, और ये हमारा जहाज़ जिसमें हम लोग जा रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, सिर्फ आगे से दिखा सकती हूँ। यहाँ से अब हम लोग प्लेन की तरफ जा रहे हैं, वी गोइंग टू प्लेन, और हम अंदर जाने लगे हैं। प्लेन और आज हम दुम पर बैठ के जा रहे हैं, बिल्कुल दुम पर, और सबसे लास्ट वाली जो सीट होगी ना, ये वाली भी हमारे पास है। ज़िंदगी में आई थिंक जब मैं एक दफ़ा यू से गई थी तब मुझे टिकट सीट मिली थी, या फिर आज मिली है, सबसे मेरी पूरी लाइफ की हिस्ट्री में। और इस वक्त हम मैं बैठ चुके हैं दुम पर बैठ के, इस वक्त हम लोग कराची की तरफ अल्लाह ने चाहा तो रवाना होंगे फाइनली इंशाल्लाह। तो यहाँ से लाहौर कम करेंगे, बाय बाय, 7:30 बजे हम इंशाल्लाह मज़े की बात है। जहाज़ के एंड के कोने पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आज। सोचा था कि मैं ना इस लड़की को बोलूँगी कि वो बराबर
और हमें इजी हो जाए, पर जहाज फुल पैक है, ज़रा भी जगह नहीं है, तो इसका मतलब है ये कहाँ से निकल के आए मुझे पता नहीं। इस वजह से हम बराबर में हुए और हम दोबारा से रनवे की तरफ जहाज जा रहे हैं। और रनवे स्प्रिंट हो गई है, बरामद हो गई है, अपनी सीट बेल्ट बांध लेंगे, बोल दिया जाए तो आप इन शाला बाकायदे खुदावंद करीब के अगर वो हमें पहुँचाएगा तो हम कराची होंगे। अगर हमारी जिंदगी इतनी है तो ये आखिरी शादी वीडियो हो लेकिन अल्लाह से दुआ ही लेकिन आप अच्छा टाइम अच्छे वक्त हमें दिखाएँ ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें। जैसी भी ज़िंदगी प्यारी ज़िंदगी है उसको हमने खुद बुरा किया हुआ है। खैर मैंने जहाज चलना शुरू हो गया, टावर 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 उड़ाना शुरू हो गया, तो इन शाला आप कराची एयरपोर्ट पर जब पहुँचेंगे तो फिर वहाँ से आपको फाइनली वेलकम कहेंगे दोबारा से। और हमारा कराची यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद मौजूद होते हैं, तो आपसे मिलते हैं रनवे पे जब आप चल रहा है। ये सामने पे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आई बहुत बुरा एयरपोर्ट है खैर यहाँ का, लेकिन बस यहाँ से हम लोग देख कराची। सॉरी कह के माजत करके
हम 34,000 फुट की गलती पे प्रवास कर रहे हैं और कहीं भी अल्फाज के ऊपर हम सेंटर पे आ चुके हैं। ये जो बच्चा है ये जानवरों का व्यापारी है, जानवर बेचता है और अभी एक्सपोजिशन हो रही है और हर महीने जाता है कराची। छोटा सा है, 18-19 ईयर का है, 18 साल का और माशाल्लाह 14 साल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। हमारा अराइवल का टाइम कराची में, बाकी कराची बात होती है ना, कराची अल्लाह के लिए कराची जगह बात होती है। चश्मे पे चश्मा आपने कभी देखा? आज बस के 15 मिनट होगा। हमारे केबिन क्रू यकीनन आपका ख्याल रख रहा होगा। जी जी। हम लोग कराची पहुंच गए और लैंडिंग के लिए अब हम तैयार है हमारा जहाज। ये आ गया जी सटा कराची और रोशनियों का शहर जो इस वक्त तारीखों में डूबा हुआ है क्योंकि बहुत बिजली के बिल्स और चीज़ें और ये और वो। अभी ये देखें, ये देखें, ये चले जी बरेली लेकिन साडा कराची असि पहुंच गए कराची। हंगामी हालत लोगों की कि बस उनको यह है कि हम कूद जाएं सामान लेके भाग जाएं। और ये आ गए जी हम जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। यहाँ से खुदा हाफिज़ कहती हूँ क्योंकि अब बैगेज आने में टाइम लगेगा, सामान आने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शादी चीज़ें ट्रिप सब कुछ बहुत रहा और सब कुछ हमने बहुत इंजॉय किया। अब सामान की रेड मारी जाएगी, जिस तरह सामान उठाया जाता है वो फेंक फेंका जाएगा और वो लाया जाएगा। जी प्लेन से निकल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जगह मिली। ऐसा बुरा हाल था ना जिसकी कोई हद नहीं और हम ही अकेले रह गए और बैग सामान तो हमारे पास है ही नहीं, थोड़ा सा सामान है, सामान तो हमारे पास। इस वक्त मेरा जो हाल है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बोल, सामान सारे को है ही नहीं। ये अम्मी की मिठाइयाँ देने वाली कराची, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाय सकून। ये आ गए हम लोग और मुझे इसका तो याद ही नहीं रहा। चले जी ये वाला लाहौर हमारे पास तो होना चाहिए कि हमें याद ही नहीं रहा कि मैं इनको कॉल कर देती और पहुंच जाते। खैर हमारी फाइनली कराची, बैगेज की तरफ जा रहे और इसके बाद से फिर
तो ये था मेरा पूरा सफ़र कराची तक का, और हाय घूम गई मैं तो। टिकट्स हाँ, इस बच्चे ने 62 की ली है टिकट, 32-35 वाली टिकट अर्जेंट मिल रही है 62 की। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। वही बात, बाकी देना लेना अलग। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है, थोड़ी बहुत शर्म है। हाँ बाकी टिकट फ्री है, टिकट फ्री है, डेड बॉडी और एक बंदा जो साथ जाएगा, बाकी तो फिर अपने उस पे होंगे। हाँ सही बात है, जिसने जाना से तो जाना, बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट सीआईए को देखें कितना अरसा हो गया, 30 साल से ऊपर होगा, नहीं कोई बेनिफिट है नहीं है। चलो जी फाइनली हम लोग पहुँच गए, क्योंकि ये आ गया हमारा कराची, बैक टू द कराची। और ये रहे हम लोग, और हमारे पास ऑप्शन था, फिर भूल गए हम इन भाई को। मैं आपको वो देती हूँ टोकन, चले यार पीछे। ओके जी, मम्मा भाई और ये हमारे बड़े अच्छे से भाई हैं, ये इनको हमने बताया नहीं था, तो ये जब से खड़े हुए थे वहाँ पर। और भाई मेरा शदीद वाला बीमार, वो आगे जा रहे हैं जब्बार भाई, जैसे जब्बार भाई दुबई से आए हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी पहुँच गए। वेदर ठीक है, अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन सुना क्या है कि मौसम काफ़ी गर्म हो चुका है, तो चले शुक्र मालिक का। इसी तरह हम जाएंगे अब घर की तरफ। तो ये था हमारा सफ़र। वो जब जब्बार भाई आप अलग अलग क्या, आप क्या दुबई जा रहे हो, हैं किधर जा रहे हो आप? आपके पेट से तो यही लगता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रखेगा। और बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चेहरे आपको हंसते हुए नज़र आए वो बहुत खुश हों। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये ज़रूर होता है कि रब को हर चीज़ पता होती है। तो आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक सब बेटियों की नसीब बहुत अच्छे करे, बेटों सबे। और इसी के साथ मुझे यहाँ से कराची एयरपोर्ट से खुदा हाफिज़। अब दोबारा काम के व्लॉग बनाएंगे, जो दोबारा से अपना काम शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।